असलामुअलैकुम, मोहम्मद फायक एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल। और आज का जो ब्लॉग है वो है मुझसे दिल्ली मुंबई के बारे में। मैं सारी ट्रैवलिंग करूंगा और आप मुझे शेयर करूंगा कि आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट जो आपको सूटेबल लगेगी। और जिस तरह के आज का ट्रेंड बना हुआ है स्नोफॉल का, वो भी आप शेयर करूंगा। मुझे इन्फॉर्म मिली है कि जैसे कि स्नोफॉल हो रही है मुझसे गली में, तो आपको सब शेयर करूंगा कि आपसे कौन सी ट्रांसपोर्ट सूटेबल होगी, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या साथ ले जाना है। तो इंशाल्लाह आपके साथ सारा शेयर करूंगा। सो लेट्स गो। सो टू ऑन द वे टू मरी, हम लोगों ने अपने लिए स्पेशल गाड़ी करा ली है। तो हम लोग अभी एक्सप्रेस रोड पे अभी स्टार्ट हुआ हमारा, और नमाज का वक्त था, मैं नमाज पढ़ ली है। तो यहाँ पे खूबसूरत मस्जिद है स्टार्टिंग में ही, जामे मस्जिद हनीफ बिन शफी, बहुत ही खूबसूरत और देखने के काबिल मस्जिद है। हम लोगों ने अभी नमाज पढ़ी है, तो इंशाल्लाह दोबारा जो मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह मरी में होगी। सो वी आर इन मरी, और यहाँ के रेट्स होटल्स के बहुत ज़्यादा हाई थे, तो बड़ी फिर के हम लोगों ने यहाँ पे होटल बुक कर लिया। और होटल बाय लक हम लोगों को बड़ा अच्छे व्यू में मिल गया। यहाँ पे बिल्कुल माउंटेन्स का व्यू है, और यहाँ से बिल्कुल नीचे तक हमें व्यू आता है। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम लोग चाय माय पी कर माल रोड की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे मुलाकात करेंगे आपसे। तो रूम बुक करने के बाद हम लोग जो प्लान बना के माल रोड जाते हैं, तो उसी दौरान स्नोफॉल शुरू हो गई, और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी हो रही थी और हैवीली हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, स्नोफॉल जब स्लो हो जाए तो तब जाएंगे। हम लोग इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद आए हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद निकलेंगे। फिर भी हम लोगों ने एक घंटा सब्र किया, उसके बाद भी देखा तो स्नोफॉल उसी तरह हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने एक मुसम्मम इरादा कर लिया कि चलो आओ यार स्नोफॉल में ही माल रोड का मज़ा लेते हैं, और अपने आप को यहाँ से बीमार करके ही जाएंगे। मोबाइल पानी बैटरी थी, बैटरी थी फराज, क्या हाल है एहसान? मुबीन, विक्ट्री साइन कौन सा होता है? बर्फ को साफ करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? हारिस, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये हमारे हैं मिस्टर हारिस, इधर मोटू साहब, थोड़े से काले जाने वाले। ये हमारे हैं फराज साहब, कारी साहब। कारी साहब की सफात नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी कारी साहब है। ये छुपे रोस्ता, छुपे रोस्ता में ये बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये हमारे शेफ फराज हैं। फराज इधर देखो यार, ये इन्होंने खाना तैयार किया हमारा, तो सारे लोग बैठे हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे।